हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, सी टेट के प्रीवियस ईयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अगेन इस वीडियो में लेकर आए हैं सी टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर का, जो कि 9 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था और ये हमारा प्राइमरी लेवल का पेपर है। और इस पेपर से हिंदी पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं से भी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो के ठीक लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हर रोज की भांति आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए सो दैट आपका कोई भी सिंगल वीडियो मिस ना हो, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेंड्स एक कविता के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं। और इस कविता को सबसे पहले हम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद में 1 by 1 क्वेश्चनों के आंसर्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार पढ़ लेते हैं कविता को। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे। सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित जिस जगह किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स मेरी 2-3 डेज से थोड़ी तबीयत सही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज़ को लेकर आप मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, यानी कि जो हमारी जो कविता दी गई है तो इसमें किस चीज़ की ओर संकेत किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि है अनिश्चितता कब सुमन कब, यानी कि एक तरह से एक अनिश्चितता की बात कही गई है। तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर और साहस की ओर। तो यहाँ पे अनिश्चित की ओर बात कही गई है और ये हमारी पंक्ति में भी दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। फूल और कांटे के, बाग और वन के, सुख और दुख के, या फिर प्रिय या अप्रिय के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो कविता में सुमन और जो कंटक दिए गए हैं ये हमारे सुख और दुख के क्या हैं, सिंबल हैं, प्रतीक हैं। और जो हमारे मनुष्य का जो जीवन होता है वो फ्रेंड्स विषाद और आनंद के कई क्षण उसके जीवन में आते हैं। विषाद और आनंद का मतलब वही है कि सुख और दुख उसके जीवन में आते हैं, यानी कि सुख और दुख जो है वो जीवन के उतार चढ़ाव हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुख और दुख। यानी कि विशेष रूप से सुमन और कंटक प्रयोग किए गए हैं किसके लिए, सुख और दुख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है, यानी कि किस बात के लिए मोटिवेशन दे रहा है। हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, या हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो कवि है वो अपनी कविता में, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर लास्ट के ऑप्शंस को देख रहे हैं, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, यानी कि कविता में कवि के द्वारा कठिन से कठिन जो उसकी परिस्थितियाँ हैं उसमें विचलित न होने के लिए और उसे हमेशा आगे बढ़ने की क्या देता है, एक मोटिवेशन देता है, एक प्रेरणा देता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जीवन यात्रा में ऑप्शन ए, कुछ भी निश्चित नहीं है,
बी सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि अकॉर्डिंग टू हम जो हमारी जो कविता है उसके अनुसार देखेंगे तो इसमें बताया गया है जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में कि कुछ भी निश्चित नहीं है, यानी कि जीवन यात्रा में जो हमारी एक जीवन की यात्रा होती है उसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन के किस मोड़ पर कैसी परिस्थिति आ जाए और इसके लिए तैयार रहते हुए कविता में सार्थक जीवन निर्माण पर बल दिया गया है और कविता कवि के द्वारा बताया गया है कि जो जीवन है हमारा इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तटनी, जयमाला, नद या फिर प्रभा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सरित है तो सरित का जो मतलब होता है, सरित का मतलब होता है आपका तटनी, नद या फिर जयमाला, यानी कि नदी से होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवाह, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, जबकि तटनी, नद और जयमाला ये सभी क्या है, सरित के समानार्थी शब्द हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आप अपने कॉमन सेंस से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें आप ते वर्ड लगाइए तो अनिश्चित ते, तो ये कोई वर्ड नहीं होता है। यहाँ पर यदि आप ती लगाइए तो अनिश्चित ती, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अनिश्चित ती, ये भी नहीं होगा। तो यदि ता लगाते हैं तो आएगा हमारा अनिश्चितता, तो दैट इज करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर यदि हम अपने जनरल यानी कि कॉमन सेंस का भी प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स जो भी दोस्त आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, फेसबुक ग्रुप पर हैं, उनके पास पहुंचाना फ्रेंड्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उन सभी की भी मदद हो सके ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 से 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड वो अगेन एक पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं और इन सभी से यानी कि 7 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जल्दी से जल्दी इस गद्यांश को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स गद्यांश में दिया है राष्ट्र पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे ऐसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है। यह पाठ्यपुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक और समाज में गीत कविता जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अक्सर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सबके
लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह जीवन का जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेल कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान भी उनके बीच में स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाई जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस गद्यांश के ऊपर हमारे जो क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 7 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो इस गद्यांश के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो चले फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को वन बाई वन कर लेते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट हमारे गद्यांश में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हम अकॉर्डिंग टू गद्यांश देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि जो गीत कविताएं हैं वो बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय किए गए प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि, उन्हें क्या लगता है, सेम सिक्वेंस सेम सेंटेंस हमारा पैराग्राफ में भी दिया गया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ यदि हम देखें तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आप देखेंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से उसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम में देर से आएंगे और यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो इसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर है अकॉर्डिंग टू योर गद्यांश, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट सुटेबल आंसर बनता है फ्रेंड्स वो बनेगा आपका लास्ट का ऑप्शन। वो लास्ट के ऑप्शंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स समाज में इनकी जो व्यापक सहमति है वो नहीं है, किसकी, गीत कविता की। तो गीत कविता की क्या है, समाज में व्यापक जो सहमति होनी चाहिए वो नहीं है। ये हमारा जो जो सेंटेंस है, यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट करेक्ट, यानी कि ये सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं समाज में व्यापक सहमति होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में या फिर संपूरक के रूप में? तो यहाँ पर 10 नंबर का जो मोस्ट सुटेबल आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका बाधक के रूप में, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था होती है हमारी, जो कि गीत कविता को गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, जो बच्चे के पठन पाठन के मूल्य को, यानी कि बहुमूल्य जो उनका समय होता है, यानी कि जो पढ़ाई का जो समय होता है, उस समय को क्या करती है, ये नष्ट करती है। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो ये देखती है एक बाधक के रूप में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुच्छेद के आधार पर देखना है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। स्कूल परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चे को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं और बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो 11 नंबर के राइट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, यानी कि ये क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जबकि हमारा वन ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये सभी हमारे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है,
स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल या फिर शिक्षा अधिकारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बी को यानी कि माता पिता। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा अनुच्छेद है तो उसके अनुसार हम देखें तो बच्चों के लिए उनके माता पिता ही लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, यानी कि कौन सी क्रिया है, एकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर द्विकर्मक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 13 का, वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। क्या है? सकर्मक क्रिया। और फ्रेंड्स इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा, फ्रेंड्स जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया में जो कर्म तथा क्रिया, जो हमारे जो कर्म है और जो क्रिया है, वो परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से यानी कि प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया का होना क्या है, स्वाभाविक है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तो सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृति से बना हुआ है, सांस्कृतिक। तो यहाँ पर जो इसका प्रत्यय होगा यानी कि जो लास्ट में लगता है, तो फ्रेंड्स वो होगा आपका इक प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार या फिर अच्छा। तो मंजूर का मतलब होता है एक तरह से एक्नोलिजमेंट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्या चीज़ जरूरी होता है। यहाँ से फ्रेंड्स हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और हिंदी पैडागोजी का सीटेट एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स 50% यानी कि आपकी पैडागोजी आती है। यदि 30 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो उसमें से 15 नंबर की आपकी पैडागोजी पूछी गई है। और फ्रेंड्स सभी विषयों की यदि आपको पैडागोजी देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और जैसे ही चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमने सभी पेपर्स का टॉपिक वाइज वीडियो वहाँ पर डाला गया है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर सोल्ड क्वेश्चन पेपर की बात मैं बात कर रहा हूँ, सभी को हमने सोल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, तो क्या चीज़ सबसे अधिक जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमरी लेवल की बात की गई है, तो प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है फ्रेंड्स आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और विभिन्न प्रकार के जो जो हमारे दृश्यांकन हैं, चित्रण हैं, सामग्रियां हैं, तो आदि की सहायता से हम क्या करते हैं, प्राइमरी लेवल पर भाषा को समझने में यानी कि प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रंट 16 नंबर का क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रिंट स्मर्द परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहित अर्थ है, मतलब इसका क्या मतलब है। तो बच्चों को बोल चाल की भाषा नहीं सिखाई जाए तो फ्रेंड्स ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा है, बच्चों की बोल चाल की भाषा को सुधारा जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन में, बच्चों के भाषीय अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। और लास्ट का ऑप्शन है, बच्चों के भाषीय अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 17 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों के भाषीय अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को या फिर बाल साहित्य को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया को। तो भाषा सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया का जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, और भाषीय जो सहजता है वो प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार आदि उस भाषा में विशेष रूप से व्यक्त किए जाएं।
यानी कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है सामाजिक अंतःकरण, तो सामाजिक अंतः सॉरी क्रिया, तो सबसे अधिक क्या है ये महत्वपूर्ण है किसमें, भाषा सीखने सिखाने में। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास, यह प्रयास होना चाहिए कि वे, यानी कि क्या प्रयास होना चाहिए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, और बच्चों को शिक्षा प्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो यहाँ पर राइट आंसर की ओर अप्रोच करना चाहूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पर है इसका राइट आंसर, जैसा कि आप पहले ही ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए, ये हमारा एक की वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। तो यहाँ पर कमजोर पूछा गया है फ्रेंड्स, तो सबसे कमजोर क्या होना चाहिए। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो ये तो एक क्रिएटिविटी दिखा रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये तो कमजोर नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस किस, यानी कि किस किस बात से घबराता है, बात, हाँ बात से घबराता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये भी हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। और लास्ट का एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक जो है ये एकदम डिफरेंट सेंटेंस दिया गया है, और इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स ये जो लास्ट का आपका ऑप्शन है ये सबसे कम, यानी कि सबसे कमजोर तरह की टाइप का एक ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो यदि हम ऊपर के तीनों की यदि कंपैरिजन करें तो कंपेयर टू अबव ये इसकी जो वैल्यू है वो कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रकार यह है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या फिर लेखन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सुनना, अक्षर ज्ञान, लेखन और संप्रेषण, तो यहाँ होगा फ्रेंड्स आपका संप्रेषण। और संप्रेषण के विषय में बताऊंगा मैं फ्रेंड्स कि संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण क्या होता है, एक प्रकार यह होता है। तो इसमें क्या होगा कि कूट के रूप में संदेह यानी कि सूचना या समुचित प्रसारण ही संप्रेषण की सफलता है। और फ्रेंड्स ये जो संप्रेषण होता है यानी कि एक तरह का एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सबसे अच्छा कौन सा तरीका है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन ए को पढ़ लेते हैं, कविता सुनना और शब्दांश लिखना, यानी कि 22 में पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया है। अभी दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, और तीसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, और लास्ट का ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दांश के रूप में लिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, और ऑप्शन नंबर डी के विषय में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सर्वोत्तम ढंग है सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। वस्तुतः लिखित संप्रेषण के द्वारा भाष्य कौशलता तथा सृजनात्मकता को सटीक ढंग से परिचित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दांशों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाव यह भाष्य व्यवहार दर्शाता है, यानी किसी चीज को ये दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, वह लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 23 के राइट आंसर की ओर बढ़ूंगा फ्रेंड्स मैं, तो राइट आंसर है आपका वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमें निगेटिविटी को भी देखना है कि यदि हम उसको पूरा का पूरा निगेटिव मान रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हम निगेटिव भी नहीं मान सकते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि समझ, वह समझ के साथ
पढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भाष्य व्यवहार दर्शाता है, इसके विषय में आपने मैं आपको बताया है कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, क्या प्रपंच नहीं है हिंदी भाषा में आकलन का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, यानी कि जो बच्चों की जो कमियां हैं उनकी पहचान करना। तो ये क्या है, आकलन का उद्देश्य नहीं है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य नहीं है किसका, हिंदी भाषा के आकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, यानी कि जो हमारा उत्कृष्ट लेखन होता है उसके कार्य का क्या उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसका छुट्टियाँ कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या किसी आंखों देखी घटना पर लिखित वर्णन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा आपका लास्ट का ऑप्शन, यानी कि आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो ये होगा आपका जो उत्कृष्ट लेखन है उसका एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा में बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो 26 का जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये तो हो गया क्षमता नहीं होती है, तो टोटली निगेटिव हो गया। उसके बाद बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है। फिर बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों की भाषा में ही भाषा सीखते हैं, तो ये भी हमारा सही नहीं है। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई, यानी कि ब्लैंक दिया है, क्या कठिनाई होती है? यदि कोई बच्चा डिसग्राफिया से पीड़ित है तो डिसग्राफिया के विषय में मैंने बहुत बार आपको बताया है, पठन विकार के विषय में मैंने आपको बताया है, बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिसग्राफिया होती है, डिसग्राफिया जो कनेक्टेड होती है वो होती है फ्रेंड्स आपके पठन विकार से, यानी कि पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 का इसका राइट आंसर होगा आपका लास्ट का ऑप्शन डी, और हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो ये इस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं यानी कि क्या कर सकती है, क्या करती हैं, वो हमें बताना है। तो बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चों की भाषाएं हैं वो क्या करती है, वो करती है फ्रेंड्स जैसे कि आप ऑप्शन नंबर ए को देख रहे हैं, ए में दिया है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, यानी कि भाषा सीखने में और भाषा को अर्जित करने में, यानी कि लैंग्वेज की लर्निंग और लैंग्वेज का एक्विजिशन, इनमें दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है, यानी कि कौन सा मुख्य आधार है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी कि भाषा का पूरा एटमोसफेयर उन्हें मिले। तो ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये सीखने और भाषा अर्जित करना, जिसको मैंने आपको अभी बताया था कि लर्निंग और जो लर्निंग लैंग्वेज है और जो फ्रेंड्स हमारी जो एक्विजिशन की लैंग्वेज है, तो उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है फ्रेंड्स भाषा उपलब्ध का परिवेश, यानी कि एक माहौल जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कंप्लीट किया है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर हैं उन सब के पास पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, और वहां पर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो यानी कि 500+
वीडियो कोर्सेज से रिलेटेड डाली गई हैं, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।